Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam, your mentor for English, and आज हम discuss करने वाले हैं vocabulary. So guys, as you know, this is very very important topic for all your upcoming exams. चाहे वो CGL हो, CHSL हो, जितनी भी exams है, सभी exams के लिए ये topic बहुत ज़्यादा important होता है. So बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का session. सो एज पर द डायरेक्शन फोर ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं एंड आपको बताना है कि फोर ऑल्टरनेटिव में से जो दिया हुआ वर्ड है, जो गिवन वर्ड है, उसका क्या मीनिंग होगा, क्या उसका सिनोनिम होगा. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो वर्ड है वो है वॉन्टेन एंड आपको बताना है इस वॉन्टेन वर्ड का मीनिंग. सो आपके पास जो फोर ऑप्शन है वो स्टल्दी, ग्रीडी, इम्पोवरिश्ड एंड क्रूएल. सो देखिए इस वर्ड का सही आंसर क्या हो सकता है. सो लेट्स चेक गाइज, यहाँ पर ये जो गिवन वर्ड है इसका मीनिंग होता है वॉन्टेन का मतलब होता है क्रूएल, एविल या हम कह सकते हैं विकेड. मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा क्रूएल हो, बहुत ज्यादा हिंसक हो, एविल हो, विकेड हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, उसे हम कहेंगे वॉन्टेन. तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टेल्दी एंड स्टेल्दी मतलब होता है कोई चीज जो हिडन है, जो सिक्रेटिव तरीके से, जो सिक्रेट तरीके से या सिक्रेटिव तरीके से हम करते हैं उसे हम कहते हैं स्टेल्दी. सो ये तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग नहीं होगा. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीडी एंड ग्रीडी सभी को पता है लालची होता है, लालच होता है जिसे कोई भी किसी भी चीज का या पैसों का. तो ये भी इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोवरिश्ड एंड जिसका मीनिंग होता है कि बहुत ही ज्यादा जो पुअर होता है, जो नीडी होता है, जो गरीब होता है, जो हम इसे कह सकते हैं डेस्टिट्यूट, जिसकी सारी चीजें बर्बाद हो चुकी है उसे हम डेस्टिट्यूट कहते हैं. सो ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा. ऑप्शन नंबर डी इज क्रूएल एब्सोल्युटली सही है. हमारा जो सही आंसर होगा ये क्रूएल ही होगा. सो यहाँ पर जो मीनिंग है वॉन्टेन का ये हो जाएगा क्रूएल. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस इम्पर्टिनेंट एंड यहां पर आपको बताना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा. फोर ऑप्शन है आपके पास. फर्स्ट इज हिडन, इंसोलेंट, क्रिएटिव एंड नीडलेस. तो देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है यहां पर. सो लेट्स चेक, यहां पर अगर बात करें इस वर्ड की इम्पर्टिनेंट जिसका मीनिंग होता है रूड, इम्पोलाइट या हम कह सकते हैं इल मैनर्ड.
या हम जिसे कह सकते हैं मैनरलेस, जिसमें मैनर ना हो या जिसमें बहुत ज्यादा इल मैनर्ड हो, खराब मैनर्ड हो, जो बिल्कुल पोलाइट ना हो, बहुत ज्यादा रूड हो, बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, उसे हम इम्पर्टिनेंट कहेंगे. सो यहाँ पर हिडन मतलब छुपा हुआ, सीक्रेट, ये तो बिल्कुल इसका मीनिंग नहीं हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज इंसोलेंट, एंड हाँ बिल्कुल सही है, इम्पर्टिनेंट मतलब ही इंसोलेंट होता है, जिसका मीनिंग भी बिल्कुल होता है इल मैनर्ड या रूड या इम्पोलाइट. सो यहाँ पर ये सही ऑप्शन होगा. नेक्स्ट इज क्रिएटिव, नहीं होगा. एंड नीडलेस मतलब कि जो चीज बिल्कुल इन एसेंशियल है, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. सो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विट्रियोल, एंड आपको बताना है इसका मीनिंग. सो देखिए विट्रियोल का मीनिंग क्या हो सकता है. सो लेट्स चेक, विट्रियोल का मीनिंग होता है बिटर क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत बुरी तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, या हम कह सकते हैं और मैलिस, बहुत तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, बहुत बुरा या भला कहना, उसे हम कहते हैं विट्रियोल. सो फर्स्ट जो वर्ड है वो है इनोसेंस. इनोसेंस बिल्कुल नहीं होगा, है ना, इनोसेंट वर्ड से आया है ये इनोसेंस, बहुत ही मासूम, सो गलत हो जाएगा. सेकेंड इज बिटरनेस, यस बिल्कुल हो सकता है, फंक्शन तो नहीं होगा. एंड एडमिटेंस मतलब एडमिट करना, या इसे हम कह सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में या स्कूल में एंट्री मिलना, एंटर करना, एडमिशन या एक्सेस जिसे हम कह सकते हैं. सो यहाँ पर ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा. सो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिटरनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूयूलेट. सो यहां पर देखेंगे यूयूलेट का आपको मीनिंग बताना है. सो लेट्स चेक, यूलुलेट जिसका मीनिंग होता है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो या ग्रीफ, मतलब कि ग्रीफ या दुख को प्रकट करना, एक्सप्रेस करना, उसे हम कहते हैं यूलुलेट. सो फर्स्ट वर्ड इज डिसीव. डिसीव का मतलब होता है चीट करना, किसी से चीट करना, या हम कह सकते हैं ट्रिकी या ट्रिक कर लेना, किसी को धोखा देना. सो डिसीव तो नहीं होगा. नेक्स्ट इज कोएक्स, एंड कोएक्स मतलब होता है किसी को कोई चीज करने के लिए परसुएड करना, किसी को मनाना, किसी को कोई चीज करने के लिए फोर्स करना,
सो यहां पर कोएक्स तो नहीं होगा. नेक्स्ट इज वेल होता है, एंड वेल मतलब होता है मून या क्राई या स्क्रीम, जोर जोर से चिल्लाना चीखना, या मून मतलब रोना क्राई करना. सो बिल्कुल ये यूलुलेट का मीनिंग वेल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्राई या स्क्रीम करना होता है, एंड यूलुलेट मतलब भी एक्सप्रेशन ऑफ सोरो और ग्रीफ होता है. सो ये बिल्कुल हो सकता है. लास्ट ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, सरकमस्क्राइब. एंड सरकमस्क्राइब मतलब होता है किसी चीज को लिमिट कर देना, किसी चीज की सीमा तय कर देना, किसी चीज को कन्फाइन कर देना. सो यहाँ पर ये जो वर्ड है सरकमस्क्राइब, ये भी बिल्कुल गलत होगा. सो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज वेल. आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है, हो रही है. एंड गाइज आप देख पा रहे हो कि एक क्वेश्चन में हम एटलीस्ट चार नए वर्ड्स यहाँ पर सीख पा रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अबेट. सो आपको बताना है इस अबेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा. एंड आपको अगर बता दूं कि ये जो अबेट वर्ड है काफी बार एग्जाम्स में देखा गया है, SSC एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम्स, CGL, CHSL, काफी बार पैसेज में या क्लोज टेस्ट में इस वर्ड को देखा जाता है. सो देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा. सो अगर यहाँ पर बात करें इस अबेट वर्ड की, अबेट वर्ड मतलब होता है किसी चीज को लेसन करना, मतलब कम करना, लेस करना, शॉर्ट करना, रिड्यूस करना, ये होता है अबेट वर्ड. सो यहाँ पर चेक करते हैं, फर्स्ट इज फ्री, बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट इज डिक्रीज करना, डिक्रीज मतलब भी किसी चीज को लेस या रिड्यूस करना, ऑब्वियसली ये हमारा आंसर बिल्कुल हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड देखिए फोरसेक, एंड फोरसेक मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज का त्याग कर देना या क्विट कर देना, ये होता है फोसेक का मीनिंग. सो ऑब्वियसली ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, एंड रिलैक्स भी नहीं होगा. सो हमारा यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू डिक्रीज समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. नेक्स्ट वर्ड इज विजरल, एंड आपको बताना है इसका मीनिंग यहां पर क्या होगा. सो लेट्स डिस्कस विजरल. एंड विजरल का जो मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग,
कोई स्ट्रोंग फीलिंग या ऐसी फीलिंग जो अचानक से निकल के आए, रेदर देन कि हम कोई कोई चीज, जैसे हम कोई रिएक्शन, किसी कोई चीज होती है जिस पे हम कोई रिएक्शन देते हैं सोच समझ के, वहां यहाँ पर उसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर अचानक से ऑटोमेटिक को किसी चीज का कोई रिएक्शन निकलता है विदाउट सोचे समझे, उसे हम कहते हैं विजरल. सो यहाँ पर जो मीनिंग होगा ये होगा स्ट्रोंग फीलिंग रैदर देन अ केयरफुल थॉट. विदाउट अ केयरफुल थॉट मतलब बिना सोचे समझे अचानक से कोई फीलिंग्स या कोई रिएक्शन निकलता है उसे हम कहते हैं विजरल. जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर विजरल रिएक्शन, किसी चीज का विजरल रिएक्शन मतलब कि अचानक से निकला हुआ रिएक्शन. सो यहाँ पर फर्स्ट इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक बिल्कुल नहीं होगा. एलैबोरेट करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना और ज्यादा, सो ये भी नहीं होगा. इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि जो नेचुरल हो, जो इनेट हो. इनेट मतलब होता है इनबॉर्न हो, या फिर हम इसे कह सकते हैं जो ऑटोमेटिक हो. तो हमने देखा कि हमारा जो वर्ड गिवन वर्ड है विजरल, उससे मिलता जुलता है कि विजरल मतलब ही होता है कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है रैदर देन बिना सोचे समझे जो एकदम थॉट निकलता है. सो जो नेचुरल होता है, जो ऑटोमेटिक होता है. सो एब्सोल्युटली हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव. एंड यहाँ पर अगर बात करें इस कॉग्निटिव वर्ड की, तो इसका मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ नोइंग, मतलब किसी चीज को समझना, समझना, देखना, परसीव करना किसी चीज को, कॉग्निटिव या कॉग्निशन से रिलेटेड ये वर्ड है. सो ये भी एब्सोल्युटली हमारा सही आंसर नहीं होगा. सो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा इंस्टिंक्टिव, मतलब जो इंस्टिंक्टली निकले, जो बिल्कुल नेचुरली निकले, जो बिल्कुल किसी चीज को देख के या किसी किसी सिचुएशन पे जो नेचुरल फीलिंग होती है उसे हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव. सो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशियस. एंड स्पेशियस का आपको बताना है मीनिंग. सो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है. देखो क्या सो यहां पर अगर बात करें इस वर्ड स्पीशियस की, जिसका मतलब होता है फॉल्स, यह होता है मिसलीडिंग, जो मिसलीड करे हमें, जो गलत राह दिखाए, जो फॉल्स हो, जो बिल्कुल ट्रू नहीं हो, उसे हम कहते हैं स्पीशियस. सो फर्स्ट इज प्रोफाउंड. प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इंटेंस, बहुत ही ज्यादा डीप, जैसे हम कहते हैं ना प्रोफाउंड नॉलेज, मतलब बहुत किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज. इमेजिन नहीं होगा, प्रोफाउंड भी नहीं होगा. डिसेप्टिव. एंड डिसेप्टिव इज रिलेटेड टू स्पीशियस, बिल्कुल यही हमारा सही ऑप्शन हो सकता है. यहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है ये भी मिसलीडिंग ही होता है, या फिर इसका मतलब होता है इल्यूजरी, मतलब कि जो इल्यूजन हो, जो सही नहीं हो, जो भ्रम हो, जो हमें भ्रमित कर दे. सो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा ये सही आंसर हो सकता है. हमें लास्ट ऑप्शन चेक करना है. लास्ट ऑप्शन इज बेनिफिशियल, जिससे हमें कोई बेनिफिट मिले. सो हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं हो सकता. सो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. नेक्स्ट इज ब्लिथ. एंड हमें इसका सही सिनोनिम बताना है, मतलब इसका मीनिंग बताना है यहाँ पे. तो देखिए इस ब्लिथ वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है.
सो लेट्स चेक गाइज, यहाँ पर वर्ड है ब्लिथ, एंड ब्लिथ का जो मीनिंग होता है वो होता है केयरलेस या बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड रखने वाला जो पर्सन होता है, बहुत ही कूल होता है, मतलब कि बिल्कुल केयर फ्री होता है, उसे कोई किसी चीज का टेंशन नहीं होता है, बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड होता है कि जो हो रहा है वो होने दो इस तरीके से. सो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड इज चूजी, बिल्कुल नहीं होगा. सेकेंड इज यूनिक, नहीं. केयर फ्री, यस, कि जो बिल्कुल केयरलेस होता है, बिल्कुल सही हो सकता है. एंड नेक्स्ट वर्ड इज डिसीज्ड. डिसीज्ड मतलब जो सिक है, जो बीमार है, जो इल्ड है. सो यहाँ पर ये वर्ड भी हमारा आंसर नहीं होगा. सो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ब्लिथ होता है केयरलेस, एंड यहाँ पर केयरलेस एंड केयर फ्री बिल्कुल सेम वर्ड्स है. सो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मॉडिकम. सो देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है. सो लेट्स चेक. मॉडिकम एंड मॉडिकम का मतलब होता है कोई चीज जो स्मॉल क्वांटिटी में हो, उसे हम कहते हैं मॉडिकम. सो फर्स्ट वर्ड इज मेडिसिन, बिल्कुल नहीं होगा. बिट, बिट वर्ड भी बिल्कुल नहीं होगा. बिट मतलब क्या होता है, किसी चीज का कोई पार्ट या किसी चीज का सेक्शन, उसे हम बिट कहते हैं. सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. वेराइटी, ओके ओके, बिट हो सकता है, क्योंकि बिट मतलब होता है कि किसी चीज का स्मॉल पार्ट या कोई छोटा सेक्शन, उसे हम बिट कह सकते हैं. सो ये हमारा आंसर हो सकता है. वैरायटी मतलब कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की वैरायटीज, तो नहीं होगा. एंड ग्रीड मतलब लालच भी नहीं. सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज टेनासिटी. एंड अगर बात करें इस वर्ड टेनासिटी की, तो ये वर्ड भी कई बार एग्जाम में देखा गया है गाइस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. सो देखिए इस वर्ड का सही आंसर क्या हो सकता है. सो लेट्स चेक गाइस, यहाँ पर अगर बात करें इस वर्ड टेनासिटी की, जिसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन, या हम इसे कह सकते हैं रेजोल्यूशन, या हम इसे कह सकते हैं परसिवियरेंस. परसिवियरेंस मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना, किसी चीज को पाने के लिए. सो डिटरमाइंड या रेजोल्यूशन या परसिवरेंस, इसका मीनिंग होता है. फर्स्ट वर्ड इज इनडिफरेंस, एंड इनडिफरेंस मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट. सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज परसिस्टेंस. यस, परसिस्टेंस का मतलब ही होता है टेनासिटी, मतलब कि डिटर्मिनेशन या रेजोल्यूशन. सो यहां पर ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो सकता है. प्राइड मतलब घमंड, बिल्कुल नहीं होगा. एंड लाइवलीनेस, लाइवलीनेस मतलब होता है एनर्जेटिक, या हम कह सकते हैं इसे बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक या बहुत ज्यादा आउटगोइंग जो पर्सन होता है.
उसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा, ही इज वेरी लाइवली, या इस चीज को हम लाइवलीनेस कहते हैं। यहाँ पर ये लाइवलीनेस नाउन है, सो यहाँ पर ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। सो टेनेसिटी का जो मीनिंग होगा वो होगा परसिस्टेंट, कि परसिस्टेंटली किसी चीज को अचीव करने के लिए कोई काम करना, बिल्कुल डिटरमाइंड तरीके से किसी चीज को अचीव करने के लिए वर्क करना। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पिक्यूनियरी एंड आपको बताना है इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर। तो देखिए इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। तो लेट्स चेक, अगर बात करें इस वर्ड पिक्यूनियरी की, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल, या इट इज रिलेटेड टू मनी, या हम कह सकते हैं मॉनेटरी, या हम कह सकते हैं मनी। तो ये मनी से रिलेटेड वर्ड है। सो फर्स्ट वर्ड इज म्यूचुअल, एंड म्यूचुअल आप सभी को पता होगा जो जॉइंट तरीके से होता है, या जो दो लोग मिलकर काम करते हैं, जो शेयर्ड तरीके से किया जाता है, या जो कॉमन होता है, उसे हम कह सकते हैं म्यूचुअल। जैसे हम कहते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड, तो जो कॉमन फ्रेंड होता है, सो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर नहीं होगा। मॉनेटरी बिल्कुल हमारा आंसर हो सकता है, वीक नहीं होगा, एंड डेट्रीमेंटल भी नहीं होगा। अगर बात करें इस वर्ड डेट्रीमेंटल की, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा ज्यादा जो खतरनाक होता है, या बहुत ही ज्यादा जो डैमेजिंग होता है, बहुत ही ज्यादा जो इंजूरियस होता है हमारे लिए, उसे हम डेट्रीमेंटल कह सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो वर्ड है पिक्यूनियरी, इसका मीनिंग होगा मॉनेटरी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट चॉइस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।